सो नाउ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक पे पेपाल आप पेनियर में भी ऑनलाइन अकाउंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ एडिशनली ये है कि जब आप अपने अकाउंट क्रिएशन की रिक्वेस्ट देते हैं तो वो इंस्टेंटली क्रिएट नहीं हो जाती इससे मुराद ये है कि जो पे था उसमें हमने ये आ, ये हमने हमने परफॉर्म करके कर देखा था कि द मोमेंट यू रिक्वेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अकाउंट उस वक्त आपको ई मेल आ गई यानी आपके जो केडेंशियल्स हैं वो आपको रिसीव हो गए केडेंशियल यहाँ पर भी आपके पास होंगे यानी आप लॉग इन हो सकेंगे लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू रहती है रिव्यू से मुराद ये है कि दे विल वेरीफाई द इंफॉर्मेशन विच यू हैव प्रोवाइडेड मतलब आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बैंक की डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो हम लोग देखते हैं और उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन वैलिड होगी ओनली देन दे विल ओपन योर अकाउंट सो लेट अस डू अ स्मॉल डेमो सो नाउ स्टूडेंट्स ये यू आर एल है पे आउट्स डॉट पेनिया डॉट कॉम स्लैश पार्टनर्स वो सिंपल यहाँ पर आप जाके पेस्ट करें तो यू विल या सिंपल गूगल कर लें तो यू विल हैव दिस फॉर्म अब यहाँ पर आप इंडिविजुअल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और कंपनी अकाउंट भी लेट मी क्रिएट इंडिविजुअल अकाउंट फर्स्ट लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ वी यू लिख देता हूँ लास्ट नेम फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस लिख देता हूँ आपको यहाँ पर अब एक वैलिड ई मेल एड्रेस देना है तो मैं यहाँ पर एक ई मेल एड्रेस दे देता हूँ ऑबियसली uh, मैं अपना दूंगा तो जब आप क्रिएट करें तो यू शुड प्रोवाइड योर ओन उसके बाद री एंटर करें कीप दिस सिंग इन माइंड कि ये डाटा आपका पर्सनल डाटा है उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर दें लेट सपोज मैं को डमी डेट प्रोवाइड कर देता हूँ लेट सपोज एंड देन ओके दे आर सेइंग कि जी ईमेल एड्रेस सेम नहीं है ओके नाउ इट विल नेक्स्ट पे क्लिक किया दे विल आस्क यू द कंट्री आप पाकिस्तान रखें लेट्स सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ मुल्तान रोड सिटी फॉर एग्जांपल लाहौर पोस्टल कोड ट्रिपल ज़ीरो फ़ोन नंबर यहाँ दे दें आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पलो अपना कोई वैलिड फोन नंबर दे दें उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो दे विल आस्क यू योर सिक्योरिटी डिटेल्स कि आप अपना पासवर्ड को रख लें पासवर्ड की जो इनकी पॉलिसी है वो आपने एडहेयर करनी है कि लोअर केस होने चाहिए अपर केस होने चाहिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख लें यहाँ पे लेट्स सपोज जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं मैंने फॉर एग्जांपल स्कूल नेम रख लिया है कंट्री है अपना आईडी कार्ड नंबर आप देंगे यहाँ पे ये सारी चीजें वो लोग वेरीफाई करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें उसके बाद यू आर ऑलमोस्ट डन अब ये देखें अब ये आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन है रीजन बीइंग के जो पेनियर का अकाउंट है वो आप यूं समझें कि आपने अगर पेनियर का अकाउंट ओपन करना है तो यू हैव हाँ टू तो गिव बैंक डिटेल्स मतलब ये है कि अगर बाहर से किसी ने आपके पेनियर अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो आप उसको डायरेक्ट बैंक में भी रिसीव कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कोई वैलिड जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप ये बैंक अकाउंट दे देंगे दे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं तो इंस्टेंटली यू विल रिसीव दिस सॉर्ट ऑफ ई अब ये सबसे पहले आपको ई आएगी योर एप्लीकेशन टू पेनियर इज अंडर रिव्यू एंड इट विल टेक अप टू थ्री बिजनेस डेज बट इट विल इंक्रीज इसका मतलब यह है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है नाउ यू कैन स्टार्ट रिसीविंग एंड सेंडिंग योर अकाउंट अब उसके बाद लेट अस ट्राई टू लॉग इन जो मैंने प्रीवियसली अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उससे मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूं लेट सी कि ये मुझे करने देता है कि नहीं करने देता सो नाउ स्टूडेंट्स अगर आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे सो दिस वुड बी योर डैशबोर्ड आप डैशबोर्ड पे आएंगे यह आपका डैशबोर्ड है अब आप सिंपल यहाँ पे यह देखें कि आप पैसे रिसीव भी कर सकते हैं और आप पैसे पे भी कर सकते हैं मैं उस अकाउंट से लॉग इन हो जहाँ मैंने अभी बैंक की जो डिटेल्स हैं वो भी अटैच नहीं की लेकिन अगर आपकी बैंक की डिटेल्स अटैच होंगी तो यहाँ वो यहाँ लिस्ट पर आ रहा होगा यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक इट तो उसके बाद सारी वही फंक्शनैलिटी होगी जो क्रेडिट कार्ड वेरीफिकेशन की होती है कि आपने जिसको पे करना है उसका सिर्फ नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है दिस इज़ इट और जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं यानी बाहर से अगर कोई बंदा आपको पैसे या कंपनी पैसे सेंड कर रही है तो वो यहाँ डाउन लिस्ट में आ जाएगा तो यू जस्ट हैव टू क्लिक यर रिसीव तो आपके जो पैसे हैं वो आपके ए अकाउंट में आ जाएंगे तो आप ए कार्ड के थ्रू अपने पैसे विद्रॉ कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल टू सेंड एंड रिसीव मनी वाया पेनियर सिर्फ इशू ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लगता है जो कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन में लगता है